जैसे कि आप नहीं देख सकते, हमारे बेल ग्रिल सर हेलीकॉप्टर से उतर गए हैं और अभी हमारे सामने आने वाले हैं। तो हमारे बियर गिल सर आ गए हैं और आपने उनका हैंडशेक वाला शॉट तो देख ही लिया होगा, तो चलिए उनको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हाँ, तो आ गए आप, मेरा नाम है डियर गिल और आप देख रहे हैं चाइल्ड वर्सेस फाइल्ड। लेकिन पहले वीडियो में तो आपने बियर गिल बताया था। चलिए चलते हैं हमारे रोमांचक सफर पे। तो आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि आपको जंगल में बहुत ही काम की, मतलब उपयोगी पड़ सकती है। ये यहाँ का बहुत ही रहस्यमय इलाका है और आपको इसके बारे में हमारे सर बताएंगे, तो चलिए उनके तरफ। ये इलाका नहीं है, ये भूतनियों का जंगल है। यहाँ पे मेंढकी अगर घूम ली तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की मेंढकियों में इतना पावर है कि अगर घुस गए तो निकालना मुश्किल हो जाता है। ये अमेरिका की सबसे खतरनाक घाटी है और यहाँ के आदिवासियों का कहना है कि इस यहाँ से उतरते 9.5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और यहाँ पे अब हमारे बियर गिल सर जाएंगे। तो आप जान सकते हैं ये अमेरिका की सबसे भयानक घाटी है। पहले उतर जाइए, बाद में बताना हमें। चाल लो। तो देख सकते हैं आप, एक कैमरा ऑन मेरे को मरवाने के चक्कर में पड़ा है। हाँ, जल्दी से उतर के मर जाइए। मैं नहीं चढ़ूंगा। अगर ऐसा करूंगे ना कैमरा बाहर, तो मैं ये सोने करूंगा, मैं चले जाऊंगा अपने घर। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलते हैं सर, सामने चलते हैं। अगर आपको प्यास लग जाए तो हमें पानी के सर्च में घाटी के नीचे उतरना पड़ेगा, और ये रास्ता थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, तो मैं दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। भारत के बड़े बड़े पेपरों में ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे बियर गिल सर मिलिट्री कैंप में थे तो वो बड़े बड़े गड्ढों को ऐसे छलांग मार के चले जाते थे, और उनके सामने कौन से भी टाइप का गड्ढा आ जाए वो तो ऐसे छूमंतर करके उसके ऊपर से चले जाते थे। लेकिन वो कितना सच है वो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं हमारे आगे वीडियो में क्या होता है। लगता है मेरा कैमरा मैन मेरी थोड़ी ज्यादा ही तारीफ कर रहा है दोस्तों। ओ तेरी नकली। चलिए सर चलिए, सामने चलिए, कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता। वैसे सर आपने ये कोट कहाँ से दबाया है? किसी को पर्सनल बातें मालूम नहीं होने को ना, तो कैमरा मैन है क्या, चपरासी है मेरा वाला? मैं आधे पगले कैमरा मैन, मैं इधर हूँ ना, इधर दिखाना। तो चलिए हम देखते हैं आज के रोमांचक सफर का एक कुछ खास तोहफा जिसे हम खा के जिंदा रह सकते हैं। ये तो अभी हम जाएंगे घाटी के नीचे जिससे कि हमें पानी की सोर्स मिल सके और हम अपना जिंदा रहने का कार्य शुरू कर सके। देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हड्डी, और ये आपको जंगल में कहीं पर भी मिल जाएंगी। इसे दोस्तों आप ऐसा हथियार बना सकते हैं जो ऐसा घुसा दिया तो कोई भी जानवर की आसानी से मौत हो जाएगी। तो मैं इसे अपने साथ ले लेता हूँ, अगर शायद हमें आगे काम में आ सकती है। देखिए मुझे यहाँ पे और भी एक दूसरी हड्डी देखने को मिल रही है, इसे भी मैं उठा लेता हूँ, शायद हमें ये भी काम में आ सकती है। सर लेकिन इन हड्डियों को लेने से इंडिया के भूत भी पीछे लग सकते हैं। क्या जानते, फिर मैं इसे फेंक देता हूँ, हमें शायद इसका काम नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। फिलहाल हम घाटी के नीचे उतरते हैं और पानी का सोर्स ढूंढते हैं। जब हम नीचे घाटी के उतरने लगे तो हमें वहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी दिखाई दी। यहाँ पे पथरीला रास्ता है और यहाँ से हम कभी भी फिसल सकते हैं। तो आप अपने पैरों को ऐसे जमा के नीचे उतर सकते हैं जैसे कि हमारे सर उतर रहे। देखिए हमारे सर को कैसे उतर रहे हैं, ऐसे कभी मत उतरना। अरे अरे कैमरामैन इधर आओ, मुझे यहाँ पे कुछ एक अजीबोगरीब चीज के दिख रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे इस फल को रावण भी ढूंढने में असफल रहा था जो हमें आज मिल चुके हैं। देख सकते हैं ये इंडिया का सबसे बहुत ही मतलब अच्छा तरबूज है जो कि रावण को नहीं मिला था, जो हमें मिल चुका है। इसे खाने से आप ऐसे बॉडीगार्ड बन जाओगे जिससे आपकी ताकत 3 गुना बढ़ जाएंगी। तो आप भी खा लो। नहीं, मैं अभी नहीं खा सकता क्योंकि इसमें काफी सारा जहर होता है जिसे खाने के बाद मैं मर सकता हूँ। तो मैं इसे पहले फोड़ूंगा, इसके अंदर का जहर निकालूंगा और वो पिछवाड़े में घुसा दूंगा दूसरे के, और फिर इसे मैं खाने में क्या बोलते उसको आप समझ जाओ। तो इसके बाद हम नीचे उतर रहे हैं ताकि हम घाटी में पानी की तलाश कर सके। तो चलिए नीचे जाते हैं। देखना सर संभाल के, वहाँ पे सांप नहीं है, पॉटी है। तो बियर गिल सर के साथ हम फाइनली घाटी में उतर चुके हैं और हमको शायद अभी यहाँ पे पानी के आसार दिखाई दे रहे हैं। लगता है मिल गया। नहीं, मिल चुका है। अरे बाप रे, आप यहाँ आपने खोज कर लिए है सर, मैं आपको पेपर में दूंगा। ये देखिए पानी, बाप रे, ये पानी दोस्तों कीचड़ धोने के लिए काम में आ सकता है, ये पीने के लायक नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे काफी सारे इंसानी जानवर पार्टी करते हैं और यहाँ पे अपना पिछवाड़ा धोते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अपने हाथ धो रहा हूँ, इसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे और पीने के पानी का मतलब पता कर सकेंगे। यहाँ के आदिवासियों का ये कहना है कि इस पानी में बहुत छोटे छोटे सांप रहते हैं जो कुछ ही देर में बहुत बड़े हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें बड़े पानी के सोते की तरफ बढ़ना होगा। और इसमें हम कुछ तरह के मेंढके भी देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे है छोटा सा मेंढका। रुको रुको रुको, मैं पकड़ता हूँ। लगता है बियर गिल सर आप खाएंगे उसे। नहीं खाएंगे, खाएंगे अभी, मुझे लगता है खाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से इसे पकड़ लीजिए, ये शायद मेरे हाथ से छूट गया है। अबे रुक, लगता है मेंढका ही खाएंगे। तो मुझे आज नाइट का खाना मिल चुका है दोस्तों। अरे अरे इधर कैमरामैन, ये मेंढका काफी मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन आज रात का मेरा खाना बन चुका है। ये लगता है आपको नहीं मिलेगा सर, रहने दीजिए। वो जो मेंढक था ज्यादा ही फुदक रहा था, इसलिए वो मेरे हाथ से छूट गया है। तो हम दूसरी तरफ खाने के सोर्स का क्या बोलते पता लगाते हैं। तो मुझे आप पे चढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। मरते क्यों नहीं तुम? लेकिन अबे कैमरा मैन साले मेरे को क्यों मारने में तुला है, मुझे लगता है। और एक मेरे को खाने का ये तरबूज मिल चुका है जो कि राहुल को नहीं मिला था, तो मैं अभी फिलहाल इसी से भागा लेता हूँ अपना वाला। तो खाने से पहले आप इसे इस तरह से पहले फोड़ लीजिए, जो कि मैं फोड़ चुका हूँ। ये देखिए इसके अंदर का जो जांगड़ गुत्ता है उसको ऐसे निकाल लीजिए वोट डाल के। भारत के 100 साल पुराने मंत्री का ये कहना है कि इसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है जो आपके सेहत के लिए इतना अच्छा हानिकारक है कि आप देख भी नहीं सकते। तो अब हमारे बियर गिल सर इसे खा सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ और आप भी देख सकते हैं। मजा आ गया, ये मुझे मेनके से भी थोड़ा ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। आप इसे जंगल में जाते वक्त मतलब आपको मिल जाए तो इसको दो चार ऐसे खिस्से में दबा के लेके जा सकते हो। और जैसे ही हम वहाँ से कुछ देर पर दूर पर आए तो हमें एक पानी का सोता भी नजर आ गया। अभी खाने का टेंशन भी मिट गया और पानी का टेंशन भी मिट गया, तो मैं यहाँ पे पानी पी लेता हूँ। अभी काफी देर हो चुकी है, मुझे शायद अभी सोने के लिए कोई नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मुझे कोई बना बनाया घर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो मैं अभी घर की तलाश में निकलता हूँ। इस अमेरिका की जंगल में आपको सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए अपना शेल्टर ढूंढना पड़ता है। तो देखते हैं हमारे डियर सर, बियर सर, फियर सर क्या हमारे लिए कौन सा सोता देखते हैं सोने के लिए। ऐसे ही बहुत दूर चलने पर हमें एक कुछ शेल्टर जैसा दिख रहा है जहाँ पे हमें सोने का कुछ सामान मिल सकता है। वो देखिए जो कि आप देख रहे हैं, आप नहीं भी देख रहे हैं तो भी हम आपको दिखा देंगे। देखना धीरे से कैमरामैन, इधर में आपको कुछ काटा घुस सकता है। ये देख सकते हैं आप, मुझे रास्ते में कुछ वनस्पति मिल गई है। ये काजू का झाड़ है, देखिए यहाँ पे अभी बारीक बारीक आप देख सकते हैं, देखिए ये काजू अभी लग रहे हैं इस पे। तो आपको कहीं पर भी मिल जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसा निशान आप लगा सकते हैं कुछ भी। देखिए मैं ये इससे इसको बांध देता हूँ और ये दो पान मैं अपने साथ ले लेता हूँ। अगर खुजली हो गई ऐसी इधर उधर तो यहाँ पे ऐसे इसको घुमाना है और ऐसे लगा देना है। आप समझ चुके होंगे, अब हम चलते हैं हमारे मतलब शेल्टर की तरफ। ओह माय गॉड, हमें हमारा शेल्टर मिल चुका है। अभी मेरा आज का रहने का बंदोबस्त हो चुका है। आराम से बियर सर, यहाँ पे डियर हो सकता है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े कांटे रहते हैं तो यहाँ पे आप संभाल के पैर डालिए, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। क्या डाल रहे? पैर पैर डाल दिया मैंने। हम आगे ऊपर, हाँ हाँ काफी अच्छी बढ़िया जगह दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो मैं आज रात भर यहाँ पे डेरा कर सकता हूँ। घाटी पे सबसे ऊपर सोने की जगह भी मिल गई है और अब हम यहाँ पे कुछ अपना कार्यक्रम सोने का शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है यहाँ से अच्छी तरह से मैं मतलब सेफली यहाँ पे आज की रात बिता सकता हूँ। मैं पहले इसे पॉज कर लेता हूँ। कहा जाता है जान पर अगर बनी आए तो हमें कहीं पे भी सो लेना चाहिए और कहीं का भी खाना खा लेना चाहिए, जैसे कि जंगल में अभी हमारे बियर गिल सर ने मेंढका खा लिया। मुझे लगता है मैं अपनी रात यहाँ पे काफी अच्छी तरह से मतलब सेफली बिता सकता हूँ। तो आप भी अगर जंगल में जाए तो इसी तरह का कोई अच्छा सा प्लेस ढूंढ लीजिए। देखते हैं डियर बियर सर
सुबह तक अगर जिंदा रहे तो अगला वीडियो बनाएंगे और हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में ही।